हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सेकेंड। यानी कि कल मैंने आप लोगों को एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट वन बताया था और आज पार्ट टू हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप वहां से देखते हैं कि एन अकेडमी आपको वहां पे अपना गोल सेलेक्ट करिएगा, यानी कि NTA UGC NET। उसके बाद आप वहां पे देखेंगे एन अकेडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। ओके गाइस, तो उसके बाद मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लीजिएगा, तो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा paper 1 का एंड paper 2 का। एंड यूज माई रेफरल कोड SAFTEN। जैसे ही आप SAFTEN मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, आपको 10% आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। एंड स्टूडेंट्स, प्लस और आइकॉनिक के बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है और क्यों मुझे क्यों आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आपको जैसे आप प्लस पे एडमिशन्स लेते हो और आइकॉनिक पे एडमिशन्स लेते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको यहाँ पे प्लस पे भी पढ़ने का मौका मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको आइकॉनिक पर भी पढ़ने का मौका मिलता है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस पे भी मिलेंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको आइकॉनिक पे भी मिलेंगी। स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF आपको प्लस पे भी मिलेंगे एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF आपको आइकॉनिक पे भी मिलेंगी। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज आपको प्लस पे भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज आपको आइकॉनिक पर भी मिलेंगे। तो क्या फ़ायदा है आइकॉनिक पर एडमिशन्स लेने का, ये गाइस हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि देखिए, अगर आपको मैं बताऊँ इसका बेनिफिट क्या है तो आप बेनिफिट जान सकते हैं। आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड करा दिया जाएगा गाइस, तो इस चीज़ के बारे में जानते रहिए कि आप सभी को यहाँ पे एक पर्सनल कोच यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और स्टडी प्लानर भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पर्सनल कोच की वजह से आप क्या कर सकते हो, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हो और आप अपने मेंटोर समझ सकते हैं आप इनको, ठीक है। एंड स्टडी बूस्टर सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरीके से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे और आपको एक स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एक स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो और हाँ, अपकमिंग बैचेस की शुरुआत हो चुकी है जैसे कि आप लोग स्लाइड्स पर देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट बैचेस कोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड paper 1 GRF 2021 स्टार्ट ऑन जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। अशीमा मैम और अश्वनी कुमार सर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं गैस। फिर आपको यहाँ पे एक और कॉमर्स की कंप्लीट बैचेस और paper 1 की GRF 2021 की बुशरा शाजली मैम, आशिमा नेगी मैम और अदिति विनोद आर्या मैम भी लेकर के आ चुकी हैं आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, एन अकेडमी का कॉम्पैक्ट, तो आप लोग 31 जनवरी को 11 बजे ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। उससे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप अपनी सुपर फास्ट एंड फन विद ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड्स पर आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो। टेक इट लाइव टू कंपेयर विद द बेस्ट, आप यूँ कह सकते हैं कि आपको 60 मिनट में paper 1 का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और रैंक फर्स्ट वालों को आप देख सकते हैं अन अकेडमी की तरफ से 10,000 का अमेजन गिफ्ट कार्ड आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। रैंक 2 को 5,000 एंड रैंक 3 को 2,000 और रैंक 4 से 50 को 1,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। एंड यूज़ माई रेफरल कोड SAFTEN रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। चलें अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की और सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं इंडिया के
नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आज गाइज हम आगे देख के चलते हैं कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो पार्ट सेकेंड आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कल मैंने आप लोगों को देखिएगा सारी चीज़ें IUCN के बारे में आप लोगों को कवर किया था, ठीक है, बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज उसी के आगे कुछ हम ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलें सबसे पहले साइट्स के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। एक्चुअली साइट्स क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अब साइट्स क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये साइट्स है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। वन जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ठीक है, साथ ही साथ जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना भी इसका एक मकसद है, जिससे उनके अस्तित्व पर संकट न पैदा हो, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि वन जीव और वनस्पति की जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड पर ये कन्वेंशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है गाइस, यहाँ पे जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना है कि जिससे उनके अस्तित्व पर संकट ना पैदा हो, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली जानवरों का इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड करना शुरू कर दें या ऐसे पौधों का इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड शुरू कर दें जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइट्स बनाया गया है, ठीक है, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो प्रथम कन्वेंशन हुआ था वो वॉशिंगटन में हुआ था मार्च 1973 में, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, वॉशिंगटन में मार्च 1973 में हुआ था और इस पे इन्होंने साइन किया था, इस वजह से इस कन्वेंशन को यहाँ पे बोला जाता है कि ये वॉशिंगटन कन्वेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से 1973 में इस पे साइन हुआ था। चले गाइस आगे देख के चलते हैं इसमें और क्या है। यह कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ, तो इस चीज़ को बारे में ध्यान रखिएगा, इसको लागू कब किया गया था, 1975 के जुलाई से लागू किया गया था, और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चले आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे हम यहाँ पे समझते हैं, भारत साइट्स में 1976 में शामिल हुआ था। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया इस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कब एंट्री किया था, कब शामिल हुआ था, तो आप बता दीजिएगा कि 1976 में इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इनके बारे में देखा। आगे देख के चलते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो नए बच्चे मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। चलें गाइस आगे देख के चलते हैं। यह कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ, भारत साइट्स में 1976 में शामिल हुआ था, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बच्चों इसके 182 मेंबर्स हैं, तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 182 इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसमें तीन परिशिष्ट यानी अपेंडिसेस होते हैं, कौन कौन से अपेंडिसेस होते हैं परिशिष्ट जिनको हम बोलते हैं, उनको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इनका स्टेटस क्या है, संकटग्रस्त, ठीक है, तो यानी कि स्टेटस को देख के चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना वल्नरेबल है कि थ्रेटेंड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है, तो उसी तरीके से इसमें स्टेटस होता है। दूसरा इनका स्टेटस, यहाँ पे स्टेट्यू नहीं स्टेटस ही होगा, आवश्यक रूप से संकटग्रस्त नहीं लेकिन इनके अस्तित्व को खतरा होता है। तो साइट्स वन में हम जो इंडेंजर्ड चीज़ें रहती हैं उसको हम मेंशन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और कह सकते हैं इनके स्टेटस सेकंड में हम क्या चीज़ को मेंशन करते हैं,
आप कह सकते हैं जिसके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा हो, यानी कि अभी इंडेंजर्ड तो नहीं हुआ लेकिन आगे चलकर के उस पे खतरा हो सकता है, तो उसको हम साइट्स के सेकेंड अपेंडिक्स में क्या करते हैं, इसको अपेंडिसेस में मेंशन करते हैं। और तीसरा वाला जो है इसका, वो उसमें है उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनके सारे यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की अगली कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या है बच्चों, जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। IWMI क्या है? तो IWMI क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान क्या होता है यहाँ पे हमें समझना होगा। कैसे समझते हैं, आइए। सबसे पहले तो विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि इसका जो मकसद होता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का, इसका मकसद है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे वाटर और लैंड रिसोर्सेस के सस्टेनेबल यूज को यहाँ पे ये बढ़ावा देते हैं। और बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, तो यहाँ पे इसका क्या है, मुख्यालय है। ओके चलो वेरी गुड। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, लोगों को आजीविका और बेहतर वातावरण के लिए क्षेत्रवार सतत जल प्रबंधन और भूमि उपयोग से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। यहाँ पे ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की ये लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके बेहतर वातावरण यानी कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वाटर मैनेजमेंट के बारे में और लैंड के यूज से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं उसका समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये काम कर रही है। आगे देख के चलते हैं और क्या पॉइंट पॉइंट हो सकता है। सरकारों, नागरिकों, नागरिक समाजों और निजी भागीदारों के साथ मिलकर कृषि जल का उचित प्रबंधन, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस सिटीजन प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर वाटर के, खासकर एग्रीकल्चर, जो पानी जो जल एग्रीकल्चर के लिए कृषि के लिए यूज होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये यहाँ पे ये बात करेंगे इस मॉडल के तहत। ओके चलो थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और मुझे नहीं लगता होगा कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें डाउट होगी। चलो गाइस हम फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी स्ट्रेटजीज क्या है यहाँ पे, इनकी स्ट्रेटजी है वाटर सिक्योर वर्ल्ड। ओके यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेटजीज है वो क्या है, वाटर सिक्योर वर्ल्ड, ये याद रख लीजिएगा। पूरे विश्व से ये क्या करना चाहते हैं, पानी को सिक्योर करना चाहते हैं, पूरे विश्व में संरक्षित करना चाहते हैं। आइए हम यहाँ पे आगे चलते हैं और तीसरा इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे देखते हैं। तीसरा इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे बच्चों, वेट लैंड इंटरनेशनल। ये हाँ, मैं आपको जब मैं आप लोगों को रामसर कन्वेंशन पढ़ा रहा था, याद आ रहा होगा आपको रामसर कन्वेंशंस के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने वेटलैंड के बारे में डिस्कस किया था। मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप लोग प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने एक एक टॉपिक को मैं पर डे एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आया था और लेकर के आ भी रहा हूँ, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी सब कुछ टॉपिक सर्च करिएगा, मेरा नाम सर्च करिएगा और आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलें, तो वेटलैंड इंटरनेशनल का क्या मतलब है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसका टोटली मकसद है आर्द्र भूमियों का संरक्षण, यानी कि आर्द्र भूमि का मतलब है कि जितनी भी वेटलैंड है उसका कंजर्वेशन करना,
वेटलैंड का कंजर्वेशन करना इनका एक मकसद है। और 1996 में इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और इसका जो मकसद और है वेटलैंड के संरक्षण को लेकर के, यानी कि जितने भी वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि है, उसके अंदर जो डिप्लेशन हो रहा है उस डिप्लेशन को, यानी कि उसके क्षरण को रोकने का काम करेगा। डिप्लेशन की वजह से क्या क्या लॉस हो सकते हैं यहाँ पे मैं आज आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो डिप्लेशन से आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बच्चों अगर वेटलैंड का डिप्लेशन होगा तो क्या क्या लॉस होंगे, आपको मैंने बताया था आर्द्र भूमि के बारे में। वहाँ पे बायोडायवर्सिटी होती है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज का रिचनेस होता है, कई तो यहाँ पे हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। अगर वेटलैंड का यहाँ पे डिप्लेशन होगा तो बहुत सारी यहाँ पे कहते नहीं है स्पीसीज को नुकसान पहुँचेगा, और अगर स्पीसीज को नुकसान पहुँचाएगा तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचेगा, और अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा तो आपको मालूम है कि इसका कितना ज़्यादा डिसइम्पैक्ट हमारे आपके ऊपर पड़ेगा और दुनिया के ऊपर इसका डिसइम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से वेटलैंड इंटरनेशनल का मकसद यही है कि वो जो वेटलैंड से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेगी। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ पे कोई चीज़ें डाउट नहीं होगा। अब हम आगे देख के चलते हैं, ग्रीन पीस के बारे में पढ़ते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ग्रीन पीस क्या है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं गैस कि ग्रीन पीस क्या है। ओके चलो ग्रीन पीस को हम यहाँ पे समझते हैं, तो इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रीन पीस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखिएगा ग्रीन पीस क्या है, 1971 में बच्चों इसकी क्या हुई थी, इसका एस्टेब्लिश किया गया था, इसका एस्टेब्लिश आप यूँ कह सकते हो 1971 में किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है, वो ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। समझ में आ रहा है कि वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका टोटली मकसद यही है कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करना, उसके विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो ग्रीन पीस है ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया के 55 कंट्रीज का इस समय रिप्रेजेंटेशन कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। ये याद रखिएगा कि 55 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही है। चलो आगे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण अपितु ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, जंगल शांति और कृषि इत्यादि है, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव को भी हम यहाँ पे समझते हैं और कि ग्रीन पीस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए बच्चों, इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं है, यानी कि सिर्फ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ही करना नहीं है, बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन भी है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। साथ ही साथ मैरीटाइम, या यूं कह लीजिएगा मैराइन सिक्योरिटी भी इसका मकसद है। इसका मकसद फॉरेस्ट भी है और पीस भी है, याद रखिएगा शांति भी है, और एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर में कैसे रिफॉर्म किया जाएगा, कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाएगा, इनका भी लेकर के ग्रीन पीस ये काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो अब जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें।
तो इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जो ज़्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों का इससे बेनिफिट हो जाए। आपके सैफ सर आपके लिए देखिएगा रोज़ एक एक टॉपिक ले करके आते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सैफ सर आपको सारी टॉपिक यहाँ पे कवर करा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलें तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करते रहिएगा भाई, कोई कंजूसी नहीं चलनी चाहिए, और आप लोग जल्द से जल्द स्पेशल क्लास पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। और आज देखिएगा मैं आपकी स्पेशल क्लास लेकर के 12 बजे आ रहा हूँ, 12 AM पर मैं आपकी स्पेशल, सॉरी 12 PM पर, AM नहीं बोलूँगा, 12 PM पर, यानी कि आज 12 बजे मैं आपकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, और वहाँ पे मैं MCQs कराऊँगा स्पेशल क्लास में। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस जिनका paper 2 है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए भी स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ, और paper 1 की और भी यूनिट में लेकर के आऊँगा, हायर एजुकेशन लेकर के आऊँगा, कम्युनिकेशन लेकर के आऊँगा, और धीरे धीरे और जैसे आपकी डिमांड्स रहेगी, आपकी नीड्स रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके paper 1 के भी क्लासेस लेकर के आया करूँगा। ओके चलो गाइज, तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कर दो और 12 बजे मुझे ज्वाइन कर लीजिए स्पेशल क्लास में। चलते हैं आगे देखते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में है। ठीक है, तो नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ये सारी चीज़ें यही है कि इसका मकसद केवल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन नहीं है, बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन भी है, मैराइन सिक्योरिटी भी है, फॉरेस्ट है, पीस है, और एग्रीकल्चर भी है। तो इस तरीके से हमने ग्रीन पीस को यहाँ पे देखा है। आइए अब हम देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। उससे पहले मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलें, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको समझते हैं, क्या है एक्चुअली बर्ड लाइफ। यहाँ देखो पक्षियों से, चिड़ियों से रिलेटेड चीज़ है, इसको हम नेचर कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा कि नेचर को कंजर्वेशन करने का ये काम करते हैं। साथ ही साथ पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखते हैं, ये याद रखिएगा, पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को ये बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ प्रकृति और लोगों के बीच में ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। यानी मुझको आपको ये समझाना है कि ये जो भी पक्षी हैं या उनके जो हैबिटेट हैं, आवास हैं, यानी कि जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं, इनके जितने भी हैबिटेट हैं, आदिवास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनके सारे आवास को हमें क्या करना है, मतलब कि कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करने का प्रयास करना है, और वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखना है। यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है तो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अच्छे से आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वो मैंने वीडियो इस पे बना रखा है बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, मैक्सिमम सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर आप लोगों को बना रखे हैं, बस आप केवल मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, तो जब आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। ओके गाइस, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताते रहिए कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। मैक्सिमम लाइक शेयर होना चाहिए भाई, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके चले, तो आज फिर हम देखते चलते हैं, और इसका क्या मकसद है, नेचर और लोगों के बीच में एक साझेदारी होनी चाहिए, तो इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, प्रकृति और लोगों के बीच में एक साझेदारी हो। तो इस तरीके से आज हमने अपने कुछ इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का part 2 देखा, जल्दी ही हम part 3 लेकर के आएंगे आपके सामने, और बहुत जल्द MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मैं करवाऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग समझ में आ गया होगा। चले गाइस, चलने से पहले मैं जल्दी से क्विक रिविज़न करवा दूँ आपका, और मुझे आपको आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले बच्चों देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, स्लाइड थोड़ा सा अच्छी लगे देखने में, तो यहाँ से मैं रंग इनको इरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ, तो वो सबसे पहले बच्चों आज आपको मैंने साइट्स के बारे में पढ़ाया। एक्चुअली ये साइट्स क्या होता है,
द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन होता है। यहाँ पे कन्वेंशन में क्या बताया मैंने, जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना है। जितने भी जंगली जानवर हैं और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पे क्या करना है, सुनिश्चित करना है, जिससे उनके अस्तित्व पर संकट ना पैदा हो। ठीक है, और इसे बच्चों वाशिंगटन कन्वेंशन के को भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रथम कन्वेंशन जो हुआ था वो वाशिंगटन में हुआ था, मार्च 1973 में हुआ था, और फिर वहाँ पे इसको साइन किया गया था। चले आगे देखे चलते हैं। यह कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत साइट्स में 1976 में शामिल हुआ था, 1976 में शामिल हुआ था। आगे हम यहाँ पे समझते हैं और क्या है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, वर्तमान में 182 सदस्य हैं इसमें। इसमें तीन परिशिष्ट अपेंडिसेस होते हैं। पहला स्टेटस क्या होता है, संकटग्रस्त। दूसरा स्टेटस क्या है इनका, आवश्यक रूप से संकटग्रस्त नहीं होते लेकिन एक इनके अस्तित्व को खतरा होता है, इसको हम सेकंड अपेंडिसेस में डालते हैं। और तीसरा वाला उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हो। आगे यहाँ पे देख के चलते हैं। IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान को हम यहाँ देखेंगे, कि विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, यानी कि इसका मुख्यालय श्रीलंका में है। इसमें क्या क्या होता है, फूड सिक्योरिटी, लोगों के लाइवलीहुड्स, बेहतर इन्वायरमेंट के लिए क्षेत्रवार सतत जल प्रबंधन और भूमि उपयोग से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। सरकार, नागरिक समाज और निजी भागीदारी के साथ मिलकर कृषि जल का उचित प्रबंधन करना है। तो इस तरीके से हमने इनके स्ट्रेटजी के बारे में देखा है कि वाटर सिक्योर वर्ल्ड इनकी स्ट्रेटजी है। आइए हम तीसरा यहाँ पे समझते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में। 1996 में इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। 1996 में इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। वेटलैंड के डिप्लेशन को रोकने के लिए, यानी कि जो भी आर्द्र भूमि है उसके क्षरण को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। आइए ग्रीन पीस को भी समझते हैं। 1971 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। और इसमें आज प्रेजेंट टाइम में ग्रीन पीस 55 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, यानी कि प्रतिनिधित्व कर रही है। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण, आपूर्ति ऊर्जा संरक्षण पे है, समुद्री सुरक्षा पे है, जंगल पे है, शांति पे है और कृषि इत्यादि पे है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, तो एम्स्टर्डम ठीक है में है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को लेकर के हम यहाँ पे बात करते हैं, पांचवा और आखिरी नेचर कंजर्वेशन है ये। पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखता है। ग्लोबल लेवल पे बायोडायवर्सिटी को उनको मेंटेन करना है, बर्ड्स को, हैबिटेट को कंजर्वेशन करना है और प्रकृति और लोगों के बीच में यहाँ पे साझेदारी को मेंटेन करना है। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर आई हो, क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। ठीक, आप मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा, आप लोग मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए 12 बजे से अभी स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं MCQs कराऊंगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा, यहाँ पे 12 बजे MCQs लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी जाएंगी। चलें तो आप चलते हैं, और इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए कि एन अकेडमी का जो स्लोगन है लेट्स क्रैक इट वाला, वो फुलफिल हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गायस, और जाने से पहले मैं यही कहूँगा, यूज़ माई रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके गायस, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट, थैंक्स यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक्स गायस।